देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय रेलवे कोरोना संक्रमण की भारी चोट सह रही है। ऐसे में रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों पर विचार कर रही है, जिनमें स्टेशन पर यूजर्स चार्ज भी शामिल है। यूजर्स चार्ज के तहत रेलवे अब 100 से ज़्यादा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये से 20 रुपये करने की तैयारी चल रही है। पिछले 7 महीने से रेलवे का परिचालन लगभग पूरी तरह ठप है। फिलहाल स्पेशल यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियों के जरिए स्थिति संभालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सामान्य परिचालन पर पूरी तरह रोक लगी है। इससे रेलवे राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों पर विचार कर रही है, जिनमें स्टेशन पर यूजर चार्ज भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस यानी UDF स्कीम को भी लागू करने की तैयारी में है। नवंबर से 121 स्टेशनों पर UDF लागू की जा सकती है। ऐसे में इन स्टेशनों के लिए टिकट का रेट बढ़ जाएगा।